वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रीना राज। जय श्री राम। एंड आज है 22 जनवरी एंड आज पूरा यूपी, पूरा इंडिया कहिए, नहीं सब हाफ हाफ बंद है, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है। मतलब यहाँ यूपी में तो हाफ टाइम ही बंद है, फुल टाइम बंद नहीं है, जबकि यूपी में ही श्री राम जी का आज अयोध्या में हो रहा है। क्या आप सबको पता है? आप लोग कमेंट्स में बताइएगा क्या हो रहा है, ठीक है? तो चलिए, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल रीना राज। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे अपने यूट्यूब चैनल रीना राज पे। सो गाइज, अभी मैं नहा ली हूँ एंड आज मैंने भी पहन लिया है ये गेरुआ कलर, मतलब ये जय श्री राम का कलर होता है, और मेरे पास था तो मुझे याद आया, मैंने बोला चलो मैं भी आज पहन लेती हूँ, एंड आज मैंने भी पहन लिया है, देख सकते हैं आप लोग। और आज राम जी का सच में बहुत कृपा है, इतना अच्छा धूप निकला है, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। 4-5 दिनों से इतनी ठंडी, इतनी ठंडी, मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, एंड आज धूप देख के मन खुश हो गया। तो आज हेयर वॉश करके नहा भी लिए हैं, क्योंकि आज मंडे है, वैसे मैं हमेशा ट्यूसडे को हेयर वॉश करती हूँ, बट सोची नहीं चलो आज वॉश कर लेती हूँ, तो आज मैंने हेयर भी वॉश कर लिया है। और अभी थोड़ा सा धूप में आए हैं, लेट नहाए हैं, आज मॉर्निंग में नहीं नहाए हैं, आज 12:30 के करीब तक नहाए हैं हम, 1 बज गया मेरे को नहाने में, क्योंकि थोड़ा कपड़ा वगैरह जो था वो सब साफ़ करना था, इस वजह से साफ सफाई कर दिए। मम्मी तो गई थी मंदिर बट मैं नहीं जा पाई थी, मम्मी गई थी हमेशा की तरह, पता नहीं यूपी में जब से आए हैं एक भी बार भगवान का दर्शन नहीं हुआ है मेरे को। खैर कोई नहीं, तो कौन कौन अयोध्या गया या कौन कौन घर से देख रहा है आप लोग बताइएगा, बहुत लोग होंगे अगर कोई जो ऐसा लोग होगा जो बहुत लोग गए भी होंगे, एंड बहुत लोग अपने घर से देख रहे होंगे मेरी तरह, तो हम भी घर से देखें टीवी में। और क्या बोले, ज़्यादा कुछ मेरे को बोलने ही नहीं आता, पता नहीं क्यों बोल ही नहीं पाते, सब अंदर ही रहता है, सोचते ऐसे बोलेंगे ऐसे बोलेंगे, एंड जब जैसे ही कैमरा मेरा स्टार्ट होता है मैं ज़्यादा बोल ही नहीं पाती हूँ। तो खैर अभी बैठी हूँ एंड पी रही हूँ पानी, मुंह का थोड़ा सा जो छाला है ठीक हुआ है हल्का, अभी भी थोड़ा थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, खैर कोई नहीं। एक्चुअली मैं पानी बहुत ज़्यादा कम पीती हूँ, पता नहीं क्यों, पिया ही नहीं जाता है मेरे से ज़्यादा पानी, मतलब कुछ हल्का मीठा खा लेंगे तो उस टाइम पी लेते, नहीं तो ऐसे मेरे से पानी नहीं पिया जाता, इसी वजह से मेरे को बहुत जल्दी जल्दी छाला हो जाता है पेट की गर्मी की वजह से, मतलब खाना खा लेंगे पानी पीना ही भूल जाते, पानी बहुत कम पीते हैं। और सोचते हैं पीने के लिए, पानी पीना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, और वही काम हम कम करते हैं। तो बस अभी छत पर बैठे हैं एंड ब्लॉग को स्टार्ट कर देंगे, ब्लॉग थोड़ा लेट जाएगा, मतलब एक दिन बाद जाएगा। सो गाइस, तो यहाँ पे मेरे पापा ड्यूटी से आके एंड देख रहे थे, उनका ए शिफ्ट था ना, तो सुबह में वो नहीं कुछ देख पाए, तो अभी ड्यूटी से आके खाना खा के और यहाँ पे वो टीवी पे देख रहे थे, एंड मोदी जी का अभी भाषण होने वाला है तो वो भी सुनेंगे। और यहाँ पे देखिए, डेली सोते हैं अपने रूम में, बट आज वो लाइट वगैरह ऑफ करके यहीं पर सोए हैं देखने के लिए एंड सुनने के लिए। और मेरी मम्मी यहाँ पे खा रही थी खाना, और मैं ना इधर से कैप्चर कर रही थी, क्योंकि पापा के सामने से मुझे बहुत अजीब लगता है, इसलिए मैं छिप के कर रही थी। तो पापा मेरी ड्यूटी से आके एंड अब मोदी जी का भाषण सुनने के लिए, मतलब उनका देखने के लिए वहाँ पे सोए, नहीं तो हमेशा से आके सो जाते हैं, बट आज वो टीवी वाले रूम में सोए हैं। और मैं अभी चिक्की को सुला दे रही हूँ, नहीं तो ये चिक्की बोलो, देखिए चिक्की आ जाओ इधर आ जाओ, बोलो देखिए कजरी बिलैया बनी है, बोलो भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, बोलो जय श्री राम, बोलो श्री राम, बोलो राम राम जी, बोलो जय, बोलो बोलो जय, जय करो तो जय कैसे करती, जय 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 श्री राम बोलेगा, जय जय जय। तो चिक्की भी सोएगी, जय जय की ना बेटा, बात है इसका चाबी का हम झुका झुका दिए, चाबी जय श्री राम करना है ना, जय श्री राम बोलेगा, देखिए कैसे कर, चाबी चाबी खत्म हो गया, पूरा काजल यहाँ तक लगा लिए, चलिए इसको भी सुला देते हैं। सो गाइस, तो बस अभी चिक्की को सुला के एंड आ गए हैं खाना खाने के लिए, मेरे पापा तो सुन रहे हैं मोदी जी का भाषण, उनको बहुत अच्छा लगता है उनका भाषण। और आज मेरे घर खाने में क्या क्या बना है मैं दिखाती हूँ, वेट
तो चावल है, रोटी, सब्जी, ये साग, चटनी, ये है बचका पकौड़ी जो भी कहिए आलू का, और ये भुजिया। हमने अचार भी ले लिया है हौला का और दाल हम सब खाएंगे। एंड आज तो मतलब सुबह से उठे हैं ना, सिर्फ राम जी का गाना सुनाई दे रहा है। राम आएंगे फिर भारत का बच्चा बच्चा जय श्री राम बोलेगा, और कहीं मतलब हर जगह सिर्फ यही सुनाई दे रहा है। मेरी बेटी का देखिए सुला रहे थे, यहाँ पे लग गया काजल। तो चलिए खा लेते हैं खाना, फिर आप लोग से बातें करते हैं। आज थोड़ा लेट हो गया है, जब धूप निकलता है ना तो लेट हो ही जाता है, तो खा लेते हैं फिर आप लोग से बातें करते हैं। वेट। सो हेलो गाइस, तो अभी हम सब रेडी हो गए हैं खाना खाने के बाद। मैं तुरंत रेडी हो गई, मेरे घर सब अचानक से प्लान बनता है, मतलब पहले से डिसाइड नहीं रहता है, अचानक से प्लान बन जाता है। और जल्दी जल्दी इतना रेडी हो रहा है, बस 15 मिनट में रेडी हो गए। और देखिए मम्मी मेरी बड़ा की, चलो 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 सबको रेडी, चिक्की को रेडी किए, सबको रेडी किए, तो अब चलना है। तो पापा गए ऑटो लाने के लिए एंड हम लोग जा रहे हैं मंदिर। कौन सा मंदिर जा रहे हैं, चलिए आपको ब्लॉग में आके देखने को मिलेगा। बहुत हड़बड़ी अभी तो। हाँ चलो हैंकली मेरे लिए ले लो एक ठो। तो यहाँ पे हम सब निकल गए थे, हम थे मेरी बहन, चिक्की, मम्मी एंड नीचे एक अंकल आंटी रहते हैं ना, बोले थे ना है वो, देखिए बगल में बैठी आंटी। मतलब हम पांचों छह लोग जा रहे थे साथ में, पापा नहीं थे, पापा मतलब घर पे ही थे, वो बोले थे हम बाइक से आ जाएंगे पीछे से। तो हम लोग यहाँ पे निकल गए थे एंड देखिए कितना ज़्यादा भीड़, बहुत सारे लोग यहाँ पे मतलब घूमने के लिए निकले थे, मंदिर गए थे। और मतलब क्या बताएं, हम लोग का ऐसा कुछ प्लान नहीं था, हम लोग सोचे थे घर में ही करेंगे, बट एक होता है ना भगवान जी जब बुला दें तो जाना ही चाहिए। और आज राम जी का मेरे ऊपर बहुत कृपा है, क्योंकि जब से हम थर्मल में आए, मेरे मम्मी पापा सब भाई बहन सब लोग मंदिर का दर्शन करके आ गए यहाँ पे, जो भी आसपास है, बट मैं नहीं गई थी। और यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा भीड़ है। यहाँ पे हम लोग आए थे ज्वालामुखी मंदिर यहाँ पे दर्शन करने के लिए, एंड यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जुलूस भी निकला था, राम जी, सीता जी एंड लक्ष्मण जी का, और बहुत सारा डांस वगैरह सब कुछ हो रहा था, आपको मेरे आगे ब्लॉग में देखने को मिलेगा। और मैंने म्यूट इसलिए किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ तेज़ साउंड में गाना बज रहा था, तो कॉपीराइट क्लाइम आ जाता, सो इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया। तो इतना ज़्यादा सॉन्ग बज रहा था एंड जय श्री राम जय श्री राम सारी जगह, बहुत अच्छा लग रहा था देख के। एंड देख सकते हैं मंदिर का अंदर का कुछ ऐसा लुक है। और यहाँ पे हम सब अंकल आंटी प्रसाद लेने के लिए खड़े थे कि माता रानी को चढ़ाएंगे, फिर उसके बाद हम जुलूस भी निकला है, तो उसको भी हम आप लोग के साथ शेयर किए। देखिए यहाँ पे कितना सारा डांस वगैरह हो रहा है, तो बहुत सारे लोग डांस कर रहे थे, लड़की, जेंट्स, बूढ़े, जवान, सब कोई डांस कर रहा था। तो आप लोग मेरे ब्लॉग में आगे कंटिन्यू बने रहिए एंड इन तक ज़रूर देखिएगा। आ गए थे देवी माँ का दर्शन करने के लिए। एंड यहाँ पे एक चीज़ अच्छा था ना कि मैंने कैप्चर कर लिया, बहुत सारे जगह कैमरा अलाउ नहीं रहता है, बट यहाँ पर सब कोई कर रहा था तो मैंने भी कर लिया एंड माता रानी का दर्शन हुआ। और ये ना बहुत ही पुराना मंदिर है यहाँ का, मतलब कहा जाता है। और मम्मी तो यहाँ पे एक दो बार आ गई हैं, बट मैं पहली बार आई हूँ, तो यहाँ पे बहुत अच्छे से दर्शन कर ले। अंदर में उतना ज़्यादा भीड़ नहीं था, बाहर ज़्यादा भीड़ था, अंदर बहुत कम भीड़ था, इसलिए हम Yeah.
देखा, मतलब भगवान जी, राम जी एंड सीता जी, लक्ष्मण जी, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को बनाया गया था एंड उनको जुलूस निकाला गया था एंड बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। मतलब हम लोग देखे और फिर उसके बाद सारा मंदिर घूमे और सारे मंदिर में ना मतलब चारों तरफ दिया रखा हुआ था, मतलब पूरा जो मंदिर है ना दिया से सजा हुआ था, देख के इतना सुंदर लग रहा था ना कि क्या ही बताए। देख सकते हैं आप लोग सारे जगह मंदिर में दिया रखा हुआ था एंड एक जगह तो दिए से ही राम भगवान जी का नाम भी लिखा हुआ था, मैं वो भी कैप्चर की हूँ। मंदिर आए हैं, मंदिर में देख सकते हैं आप लोग कितना सारा दिया जलेगा। आंटी जी सिंदूर लगाइए। तो आप ये देख सकते हैं एंड मुझे भी देख के बहुत ही अच्छा लगा। आप लोगों को कैसा लग रहा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड आज के दिन मंदिर आए वो भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम मेरा वीडियो ब्लॉग देख रहे हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो ब्लॉग अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिल जाए। और आज का दिन भी इतना अच्छा हुआ था ना, भगवान जी सच में राम जी ने हम लोग पे कृपया बरसा दिया था। यहाँ सब जय श्री राम, जय। मंदिर से हम लोग बाहर निकले दर्शन वगैरह करके एंड यहाँ पे मैं चिक्की के लिए ले रही थी बैलून एंड आप लोग आगे देखिएगा क्या हुआ चिक्की के बैलून के साथ। मतलब इतना हंसी आया ना क्या बताएं। अंकल जी यहाँ पे कह रहे थे नहीं नहीं मैं खरीद देता हूँ ना, तो क्यों मतलब नातिन के लिए खरीदने दे मुझे। बोले कोई नहीं अंकल आप आगे ले लीजिएगा एंड यहाँ पे देखिए अभी उसका बैलून खरीदे एंड अभी उड़ गया वो, दूसरे गाड़ी पे चला गया, उड़ गया उसका बैलून। वीडियो कर रहा है। हाँ, उसका बैलून उड़ गया। वीडियो कर रहे हैं। हाँ, वीडियो कर रहे हैं। वीडियो करे तो मेरे ऊपर भी भेजिएगा, इसका व्हाट्सएप पर भेजिएगा, वही नंबर है।